चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार करवाने के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। टनकपुर में सीएम धामी के समर्थन में रोड शो करने के बाद सीएम योगी सहित तमाम भाजपा नेता जनसभा स्थल पहुंचे। जनसभा स्थल में पहुंचते ही लोगों ने योगी योगी के नारे लगाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री धामी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी के रोड शो के दौरान बुलडोजर फिर छाया रहा। सीएम योगी ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत व आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के जनता के आशीर्वाद से मुझे दोबारा देवभूमि की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सीएम योगी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार करने चंपावत के टनकपुर पहुंचे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ को देखने और उन्हें सुनने के लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज दिखा। यही नहीं, रैली में कई बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर लेके पहुंचे हुए थे। सीएम योगी ने आज सुबह ही गुरु गोरखनाथ की भूमि चंपावत में पहुंचने को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल पर लिखा, आज मुझे देवभूमि उत्तराखंड में माता पूर्णागिरी के पावन धाम एवं गोलजू महाराज एड़ी ब्यांदुरा बाबा व महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन स्थली जनपद चंपावत में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले देवभूमि को नमन किया। कहा कि मां पूर्णागिरी का आशीर्वाद इस बार सीएम धामी को मिलेगा। योगी ने कहा कि चंपावत की जनता के पास इस बार एक बड़ा अवसर है। इस क्षेत्र के विकास के लिए यहां की जनता को सीएम धामी को अपना समर्थन देना होगा। कहा कि देवभूमि का विकास आज हर कोई देख रहा है। चार धाम यात्रा के लिए पूरे देश से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुँच रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि धामी चुनाव जीतेंगे इस बात पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब तक सफलता हाथ ना आ जाए तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। भाइयों बहनों, चंपावत जनपद की स्थापना 1997 में हुई थी। ये 25 वर्ष आज आपके पूरे होने जा रहे हैं और 25 वर्षों की इस यात्रा में जो सपने चंपावत ने देखे थे, विकास के सपने, रोजगार के सपने, इस क्षेत्र के तीर्थों के विकास की, पर्यटन के विकास की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के सपने, मुझे लगता है मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से वे सपने सब साकार होने जा रहे हैं। जब चंपावत में प्रत्याशी के रूप में स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके बीच में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं,